अब आगे जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने कहा है कि चेक करो कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। अब यहाँ हम देखेंगे कि पहले हम एक सॉल्यूशन निकाल चुके हैं और वो उसका सॉल्यूशन सेट जो ऑफ वैल्यूज जो था x और y की वो सॉल्यूशन था, तो इसे हम क्यों चेक करें कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है जैसा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होता है। इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, तो क्योंकि एक सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं तो इसके बहुत सारे और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम चेक करते हैं कि क्या ये भी इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या लिया है, LHS। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई LHS में है, तो हमने लिया LHS 2x+3y। एक्स में वैल्यू लगाई 0, वाई में वैल्यू लगाई 4, ये 2 × 0 0 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, ये वैल्यू आ गई 12। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी इसका सॉल्यूशन है, तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 4 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो आगे देखें इसमें हम अगर वर्कशीट में, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए गए हैं। अब आप इसको ट्राई करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए।